लुकमान, 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 लुकमान उठे, लुकमान उठ जाए, लुकमान, उठ जाए लुकमान, सहरी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं, उठ जाए लुकमान, उठ जाए, उठे लुकमान, लुकमान, उठे हम बहुत लेट हो गए हैं। क्या यार, इतने मजे से सो रहा था, अभी तो शादी भी होने वाली थी। उठ जाएं क्योंकि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वो भी 8 साल पहले। क्या यार, कभी कुछ भी होने दिया करो तुम। उठे लुकमान, सहरी का टाइम खत्म हो रहा है, नहीं तो आपको बगैर खाए रोजा रखना पड़ जाएगा। अच्छा यार, उठता हूँ। एक तो ये और इनके हाथ, अब उठ जाए फौरन, वरना बगैर खाए रोजा रखना पड़ेगा आपको। एक तो तुम भी ना बहुत बड़ी। क्या? अच्छा यार, उठता हूँ, उठता हूँ। अब उठ जाए। चल रही, उठ जा, तो बगैर कुछ खाए रोजा रखना पड़ जाएगा। उठ जाए लुकमान, सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, वरना आपको बगैर खाए ही रोजा रखना पड़ जाएगा। क्या यार, जल्दी आए लुकमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओ, लगता अब आपको ऐसे ही रोजा रखना पड़ेगा। तुमने मुझे पहले क्यों उठाया नहीं? अब तुम्हारी वजह से मुझे ऐसे ही बगैर कुछ खाए रोजा रखना पड़ेगा। खैर, मैं तो नमाज पढ़ के जा रही हूँ सोने, आप प्लीज नमाज पढ़ने के बाद ना बर्तन धो देना। ये अच्छी मुसीबत है। क्या कुछ कहा? नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बर्तन धो दो। ठीक है, फिर बर्तन धो लेना। ओके, बर्तन धो और चुप करके सो जा। एक तो खाई पिए बगैर रोजा रखवा लिया, घर के काम भी करने पा रहे हैं। अब तो मैं अफ्तारी से 5 मिनट पहले ही उठूंगा, देखता हूँ। लुकमान, लुकमान, उठ जाए। क्या क्या लुकमान, असर की नमाज भी हो गई है और आपने सुबह से एक नमाज नहीं पढ़ी। क्या यार, सोने भी नहीं देती हो। अब उठ जाए क्योंकि अफ्तारी की बहुत तैयारी करनी है। अच्छा, उठ रहा हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज अफ्तारी में मुझे सारी मेरे पसंद की डिशें चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, मैं बना लेती हूँ सब कुछ। उठ जाए अब आप भी। माशाल्लाह, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या,
वो मैं कह रही थी आप तस्बीह पढ़ रहे थे ना, बहुत अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए तस्बीह भी। तस्बीह? ओ नहीं, मैं तो हिसाब कर रहा था। हिसाब? किस चीज का हिसाब? यही कि मैं एक दिन में 2 समोसे, 2 रोल और 2 कीमे की कचौड़ियां खाऊं तो मैं 1 महीने में कितना खा जाऊंगा। क्या? और इसमें दही भल्ले, फ्रूट चाट और शरबत तो अलग है। लुकमान, आप भी ना बस सिर्फ खाने पीने का ही सोचा करें, रोजा रख के कुछ और भी सोच लिया करें। अब देखो, तुम ज्यादा बातें नहीं करो और जाके अफ्तारी के लिए सामान बनाओ। दुनिया की सारी चीजें आज बना लो, मुझे बहुत रोजा लग रहा है आज। रोजा खुलने में सिर्फ 1 घंटा बचा है, इतना सब कुछ मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ बनाने। बच्चों, और कितनी देर रह गई है रोजा खुलने में? बाबा सिर्फ 2 मिनट रह गए। या अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और मौलवी ने अजान देने में इतनी देर कर दी। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इधर आओ, ये देखो मुझे क्या हो रहा है। शुरू हो गए इंतजाम। मेरे पेट में इतनी दर्द हो रही है। पेट को तो कुछ होना ही था, आप भी तो ऐसे ही खाते हैं जैसे आज आखिरी रोजा था। अगर मेरा पेट साथ देता तो एक जो समोसा बच गया था मैंने वो भी खा जाना था। अब आप सब कुछ एक साथ खा लेंगे तो पेट का यही हाल होगा ना। हाय, जाए जाके कोई एक्सरसाइज करे, खुद ही ठीक हो जाएगा। देखो, मुझसे नहीं जाया जाएगा कहीं पर भी, कोई और इलाज है तो वो बताओ। यही तो प्रॉब्लम है, आपने एक्सरसाइज भी नहीं करनी और अब इस गैस का इलाज भी चाहिए। किसके पास होगा इसका इलाज? हाय अल्लाह। चले ठीक है, फिर एक डॉक्टर है, मैं उनसे बात करती हूँ जाके। अच्छा बात सुनो। हाँ? रात को खाने के लिए क्या है? पहला खाना आपका हजम हो नहीं रहा और आपको रात के खाने की पड़ी हुई है। रात का खाना, क्या नंबर था उस डॉक्टर का? डॉक्टर लड्डू, मिल गया। हेलो, डॉक्टर लड्डू भयानक स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, वो मेरे हस्बैंड को अफ्तारी के बाद से पेट में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अफ्तारी में क्या खाया था? डॉक्टर साहब, पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, दही भल्ले, बस यही सब खाया था। हाय हाय, क्या कह दिया आपने? मैंने क्या कहा? यही जो आपने 2 मिनट पहले कहा। यही कि मेरे हस्बैंड के पेट में दर्द है। नहीं नहीं, उसके बाद जो आपने कहा, पकोड़े समोसे। हाँ,
यही पकोड़े समोसे और उसके साथ मजे की चटनी। वैसे सच बताएं, हम डॉक्टर होके सबको मना करते हैं, लेकिन जिंदगी का मजा तो इन्हीं में ही है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? आप बस पकोड़े बनाया करें। क्या? मेरा मतलब है, अब आप और कर भी कह सकती हैं। डॉक्टर साहब मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ में हैं। क्यों? अब उनको क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब आपको बताया तो है अभी। क्या बताया? यही डॉक्टर साहब कि मेरे हस्बैंड के पेट में गैस से बहुत शदीद तकलीफ हो रही है। आपको मैं फकीर भेजने वाला लगता हूँ? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर लड्डू। अब यहाँ दोबारा फोन ना करना। बंद कर दिया। अच्छा नहीं डॉक्टर, पता नहीं अब क्या बनेगा लुकमान का, देखते हैं। अरे भाई कोई इनविटेशन आया कि नहीं आया अफ्तारी का? डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब वो सात वाले फ्लैट से एक बीबी आई है, वो पूछ रही है कि आप गटर खोल लेते हैं। जी जी खोल लेते हैं। तो कौन सा? वो फ्लश का गटर है। खोलेंगे, पैसे नगद लेंगे। चलो फिर आप आ जाए, वो वेट करें। चलो हम आते हैं। Oi, 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 oi.